वो जरूरी है दिल्ली में। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे बेटे मीत को अवार्ड मिलेगा, हमारी टीम को अवार्ड, हमारी टीम का अवार्ड मिलेगा, चारों नॉमिनेशन अवार्ड लेकर जाए, हमारे शो का अवार्ड मिलेगा। दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन वी आर हैविंग टुडे, बट आवर शो इज न्यू एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ जी टीवी अगेन। बहुत अच्छा अवसर है ये, हम लोग को एक अच्छा मौका मिला है, हम लोग चाहते हैं हमको अवार्ड मिल जाए। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जिनके लिए हम शो बनाते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए, अगर वहाँ तक हम अपने शो के जरिए अपनी जो हम दर्शाना चाहते हैं अगर हम वो पहुँचा पा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शो के लिए। इफ आवर ऑडियंस इज लविंग इट एंड आई थिंक आवर ऑडियंस ऑल अवार्ड हर एक्टर के लिए अच्छा होता है, मिले तो बहुत बढ़िया, नॉमिनेट होना भी अच्छी बात है, क्योंकि कितने सारे कलाकार हैं, कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे सीरियल्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप नोटिस हो रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं और नॉमिनेट करते हैं और बुलाते हैं, आई थिंक वो अपने आप में भी एक अवार्ड। और आवा जी क्या बोलना चाहेंगी? आवा जी इधर आ, आवा जी आइए, आवा जी निपट लिए, सारी बातें मेरी फैमिली ने बोल दी है, यही बात मेरी है, वाह यही सहमति है, दिल से दिल का कनेक्शन। अवार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात, और अगर नॉमिनेशन हो तो भी बहुत अच्छी बात, सबसे बड़ी बात है एप्रिसिएशन, ये मिल रहा है ये बहुत अच्छा है। थैंक यू हो गया ना, बहुत कुछ है आज की शाम में, बहुत धूम मचाने वाले हैं सारे लोग, और जी रिश्ते अवार्ड्स जैसे हमेशा अपनी एक नई पहचान लेकर आता है, तो वैसे भी आज एक कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है, एक त्यौहार का सीज़न तो वही होगा। ये कहा जाता है कि वी आर जस्ट हैविंग अ बेबी स्टेप्स एंड वेटिंग फॉर आवर नॉमिनेशन अपकमिंग अवार्ड्स व्हिच विल बी soon coming next year. Yeah, but, just newborn baby, just so baby step on air just couple of weeks ago. Yeah. So all the other shows ke liye itna kehna chahunga ki the competition is going to be on and it's going to be really very competitive and really going to be very strong from all of us. So that's what we are looking for, and all the very best to all the other shows who are getting nominated. Yes. Best jodi. मैं यस संजय और परागी बेस्ट जोड़ी के लिए नॉमिनेटेड हैं, एंड अच्छा फील हो रहा है, अमेजिंग। देखिए शो में बहुत कुछ अभी हो रहा है, और जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सपने देखती है, एक ऐसी लड़की है जो सपने पूरे करना जानती है लेकिन उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो उन रिसोर्सेस को देने के लिए एक लड़का है संजय जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और वो आगे आता है और कहीं ना कहीं सामाजिक सोच के ऊपर ये शो है कि लड़की हो अगर लड़के से एक कदम आगे तो क्या टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, हेलो हेलो सबको, गुड इवनिंग। हम बोलो सबको आते गुड गुड। क्या एक्सपेक्ट करेंगे जी? रिश्ते अवार्ड से रिश्ता दृढ़ हो जाए, यही मराठा साम्राज्य के लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ कि ये शाम तो अच्छी जाने ही वाली है। मुझे लगता है कि कुछ बॉन्डिंग्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ऐसे मौके में हम लोग साथ मिल के आते हैं तो ये बॉन्डिंग्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस जी जी से रिश्ता मजबूत हो, हम ये शाम वो देख रहे हैं, दैट्स इट। ये हमारे लिए सरप्राइज होगा शायद, हमें भी नहीं नॉमिनेशंस पता चलेंगे। एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं, लेट अस कीप द होप्स हाई। शो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत ही प्यारा शो है, प्लीज़ ये ऑडियंस के लिए शायद, तो ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ को प्यार दीजिए, आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एंड इट्स अ वंडरफुल शो, प्लीज़ ऑल ऑफ यू वॉच। थैंक यू। ओके थैंक यू। I'm looking forward to it. आज नॉमिनेशन का दिन है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के हर एक्टर चाहेगा कि उसका नाम नॉमिनेशन में हो। हम लोगों का सीरियल अगर तुम ना होते अभी कुछ दिनों पहले ही जी टी वी पर लॉन्च हुआ है, 10:30 टाइम है उसका, तो आई डोंट नो कि वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स आर गोइंग फाइन, तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग दैट not only we win the nomination but also award finally. सबसे पहले तो मैं अपना रिश्ता जी के साथ क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। fortunately and luckily and coincidentally maybe मेरे last तीन shows जो मैंने किए including अगर तुम ना होते they were all telecast on Z, they were all Z shows. I started with Doli Armano Ki for Z, then I did Pia Albela, that was produced by Rashid Productions, that was also for Z, and now I'm doing this Agar Tum Na Hote, even that is for Z. So I think kuch atoot rishta hai Z ka aur mera, ke kuch aisa hota hai ki finally jab mera ek show accept karne ka mauka aata hai to wo Z ka hi hota hai. So I mean I'm very choosy about my shows. Main एक टाइम पर एक ही करता हूँ और बहुत ज़्यादा शोज एक साथ साइन नहीं करता हूँ, एक ही करता हूँ, और बीच में जब शो ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सेबेटिकल लेता हूँ। तो आई एम ग्लैड दैट माई एसोसिएशन विद जी हैज़ प्रूव टू बी लकी फॉर मी एंड आई विश टू कंटिन्यू माई एसोसिएशन विद जी। जी रिश्ते अवार्ड्स ये बहुत ही खास प्रोग्राम है, अनुष्ठान है, और मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत ख़ास है क्योंकि जी हमेशा से एक होम टर्फ रहा है मेरे लिए, और मेरे कुछ जो भी चुनिंदा एकदम टॉप ऑफ द शोज़ रहे हैं वो जी के साथ ही रहे हैं। तो एक बार फिर से जी अवार्ड्स में आने का जब मौका प्राप्त हुआ तो बहुत ही खुशी हुई, और आई एम श्योर मेरे जो साथी कलाकार हैं टैलेंटेड आशीष और सुपर टैलेंटेड श्वेता, इनको भी उतना ही मजा आ रहा होगा कि जितना मुझे आ रहा है, राइट? हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी तो पैदाइश ही जी से हुई है। हाँ, कौन? तो मेरी तो पैदाइश ही यहाँ से हुई है। There was a show called Swember 2000 और मुझे वहाँ से ढूंढा गया था, तब से लेके आज तक जी के साथ मेरा रिश्ता बरकरार है। और जी के साथ हाय आशीष, मेरा फर्स्ट इवेंट है और मेरा सेकेंड शो है जी के साथ पहला है, तो आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दिस पैंडमिक वी आर डूइंग सम इवेंट, यस यस, सो वी आर रियली हैप्पी एंड इट्स अ ग्रेट टीम टू। हां, इट्स वंडरफुल, इट्स फेनोमिनल एक्चुअली, बिकॉज़ हमारी कहानी जो है ना वो एक तथाकथित रोमांटिक कहानी नहीं है, एक थ्रिलर भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। तो उस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जब इस किस्म का शो और वो भी रात के 10 बजे के स्लॉट में आता है और
आप सब TRPs जानते हैं कि क्या चल रहा है, सो आई एम श्योर पता चल गया होगा कि कितना प्यार हमें मिल रहा है फैन से, और कहानी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, और हम तो यही चाहते हैं कि चले 2-3 साल और चले आराम से. And I think the whole family that we have in the show is a very good looking royal family. No, actually I love the contrast between देवराज सर की फैमिली और हमारी फैमिली. हमारी फैमिली बहुत प्यारी सिंपल है, उनकी फैमिली थोड़ी रॉयल है, तो एक शो में अच्छा लगता है कि आपको दोनों शेड देखने को मिलता है. Most welcome. Thank you. Have a great evening.